वेलकम टू माई चैनल गाइज। आज हम बात करेंगे रियूज कॉन्टेंट के बारे में। रियूज कॉन्टेंट होने के बाद भी मैंने अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज किया ये मैं आपको आज बताती हूँ। जैसे कि हम शुरू शुरू में जब चैनल बनाते हैं तो हमको ये सब चीज़ें पता नहीं रहता। हम कुछ व्यूज़ के लिए इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर कोई वीडियो अच्छी लगती है हमको तो उठा करके हम लोग तुरंत जो है बिना एडिट किए या फिर एडिट भी कर लो उसको उठा के अपने चैनल यूट्यूब पे डाल देते हैं और वहाँ पे कुछ अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं। तो फिर वो सब चीज़ें देख करके फिर हम कोई वीडियो उठा करके अपने चैनल पे डाल देते हैं, हमको व्यूज़ देख के बहुत खुशी मिलती है। इस वजह से वो एक रियूज कॉन्टेंट में आ जाता है। आप लोग यही गलती करते हो कि आप किसी और का वीडियो कुछ व्यूज़ के लिए आप अपने चैनल पर डालते हो, जो कि आपके चैनल पर सिर्फ सब्सक्राइबर के अलावा वो उसमें कोई व्यूज़ ना आपके काउंट होंगे ना ही उसका कोई वैल्यू है आपके चैनल पर। तो आप लोग यही गलती करते रहते हो। जब किसी और की वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं जिसपे आपका चैनल मोनेटाइज तक चले जाता है, तो जब आप रिव्यू के लिए भेजते हो उसको, तो रिव्यू के लिए जब जाता है तो वहाँ पे आ जाता है आपका रियूज कंटेंट। जैसे कि मैं अपने चैनल की बात बताती हूँ, हम लोग तीन लोग आपस में मिलकर वीडियो बनाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शक्ल उसकी वीडियो में है तो मैं उसकी वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल देती थी क्योंकि उसमें मैं भी हूँ, उसमें तो वो मेरा कॉन्टेंट माना जाएगा। ऐसे करके हम लोग एक दूसरे की वीडियो यूज करके मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी थी और कुछ मेरी भी थी, ऐसी नहीं है, और कुछ ऐसी वीडियो थी जो मैंने किसी और की वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दिए थे, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। और फिर मेरी वीडियो एक दिन वायरल हो जाती है जिसमें अभी कम से कम 4.4 करोड़ व्यूज़ हैं, तो वो मेरा चैनल जो है 10 मिलियन तो कंप्लीट हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो देखा भी नहीं था कि अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो उससे पहले अपने चैनल को रिव्यू कर लो, तो मुझे ये सब पता नहीं था कुछ भी। तो मैं खुशी के मारे इतनी पागल हो गई थी कि मेरा 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गया, तो एक क्राइटेरिया तो मेरा पूरा हो गया जो मुझे चाहिए था और मैंने तुरंत उसको अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद हमारी बेचैनी बहुत थी क्योंकि कब वहाँ से मैसेज आए, वहाँ से ईमेल आए कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन तीसरे दिन हमको ईमेल आता है कि आपका रियूज कंटेंट है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये सब देखने के बाद हमारा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था, मतलब एक तरीके से समझ लो टूट सा गया। जितना बुरा तो तब नहीं लगता था, जितना व्यूज़ नहीं आते थे उतना बुरा तब लगा था। उसके बाद हमने देखा कि रियूज कंटेंट मतलब क्या है, इसका क्या कर सकते हैं हम। तो हमने जब देखा कि या तो आप अपील कर सकते हैं, YouTube पे ही सर्च करके हमने देखा या तो आप अपील कर सकते हैं आपका अगर रियूज कंटेंट नहीं है तो मैं रियूज कंटेंट के लिए अपील क्या ही करती क्योंकि मेरा तो रियूज कंटेंट था काफ़ी, उसमें कम से कम 150 वीडियो से ऊपर मेरे रियूज कंटेंट थे और अपील मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा रियूज कंटेंट था। तो मैंने एक महीने का वेट किया और उसी दिन कम से कम 20 वीडियो डिलीट करी और उसके बाद रोज़ के तीन से चार वीडियो रोज़ डिलीट करती थी। उसके बाद मैंने कम से कम 10 से 15 बार वीडियो दोबारा चेक की, मैंने जो अपनी फ्रेंड की वीडियो डाली थी उसको बार बार देखी और मैंने सारी वीडियो जितनी थी वो डिलीट कर दी। तब जा कर के मैंने 30 दिन बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद तब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज भी तब हुआ था क्योंकि मेरी एक ही वीडियो में 10 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ गए थे और मेरे पीछे की जो भी वीडियो थी रियूज कंटेंट था उसके तो सब व्यूज़ माइनस हो चुके थे तो उसके काउंट नहीं हुए थे। जैसे कि अगर आप लोगों का रियूज कंटेंट आया है तो आप ये देखें कि जितने भी वीडियो आपके हैं तो उनके व्यूज़ उसमें काउंट तो नहीं हो रहे हैं। तब जा कर के अगर आपका एक ही वीडियो आपका वायरल हुआ है उसमें 10 मिलियन कंप्लीट कर दिए हैं तो आप रियूज कंटेंट है तो पीछे की जितने भी वीडियो हैं वो डिलीट कर दो। जैसे किसी का अगर तुमने यूज किया है वीडियो तो वो सब डिलीट करोगे तो फिर आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ था। और जैसे कि आप देखते हो अगर आप किसी का कॉन्टेंट यूज़ करते हो तो उसमें आपका खुद का वैल्यू ऐड होना चाहिए था और वैसे ही मेरा हुआ, मैंने किसी और का थोड़ा सा क्लिप लिया था और उसमें मेरा खुद का ऐड था वैल्यू,
तो हम लोगों को फिर भी ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा चैनल मोनिटाइज ना हो, क्योंकि मैंने किसी और का क्लिप भी यूज़ किया है। रीयूज कंटेंट के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आपका कोई भी वीडियो अगर वायरल हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीयूज कंटेंट बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, आपको डीमोटिवेट कर देगी। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे अपना चैनल को ग्रो कराना, तो आप खुद की वीडियो डालें, किसी और का कंटेंट यूज़ ना करें। तो गाइस ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपको इससे कुछ मोटिवेशनल टिप्स मिल सकता है। इसलिए तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।